हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टिप्स में। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। आपको सभी नोटिफिकेशंस के पीडीएफ और भी जो है कई सारे जो चीज़ें हैं हम लोग जरूर से उस पर डिस्कस करते, और आपकी कोई भी जो है वो क्वेरी रहती है तो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हो, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आर्मी की जो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट आने वाले थे 2023 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेके, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ऑलरेडी से जो नोटिफिकेशन थी वो यहाँ पे एक आई थी और जुलाई के अंदर ही आई थी, उसका भी हम लोग डेट बताएंगे कि कब आया था, बट फिलहाल के लिए उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग बात करने वाले, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है पदों पर था। तो देखिए, यहाँ पर था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर आर्मी MES रिक्रूटमेंट, ठीक है, ग्रुप सी की जो पोस्ट है उस पर ऑफिशियल पोर्टल पर आया था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा जो है सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है और वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, टोटल जो है वो 41,822 ग्रुप सी के जो वैकेंट पोस्ट थे उस पर आया था, और उसके अंदर जो है रिक्रूटमेंट जो है वो होने वाली थी। और एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट जो है वो अभी यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन उसके लिए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या था। तो आर्मी जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करने वाली है, और उसके लिए उनको 41,822 ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें भर्तियां निकली है, और जो एलिजिबल है जो 10th 12th ही पास है उसको जो है इक्विपमेंट या फिर उसके बराबर जैसे डिप्लोमा या कुछ भी किए हैं तो उस हिसाब से वो आप लोग भर सकते हैं, लेकिन आपको रिकग्नाइज बोर्ड से रहना चाहिए, ठीक है। अब उसमें जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, ये सब चीज़ें जो है वो आपको मैं बताएंगे। और जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, तो ऑल ओवर द इंडिया है, इसमें कोई एक जगह नहीं है। देखिए, पहला जो रिक्वायरमेंट की जो यहाँ पे कहने का ये नोटिफिकेशन आई थी वो 17 जुलाई को आया था, और उसमें लिखा हुआ था कि 1-2 सप्ताह के अंदर जो है वो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब कि भरने का फॉर्म का डेट आ सकता है। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया, लेकिन आशा रखें कि अगले वीक या फिर उसके अगले वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई भी एग्ज़ाम की डेट आई है, तो इसके लिए अभी कुछ कहना जो है वो सही नहीं रहेगा। वहीं पे देखिए, टोटल पोस्ट और वैकेंसी की जो है वो बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट तो 41,822 था, बट किस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले मेट आता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट है 27,920 है, और इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। MTS सेकेंड में है जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, 11,316 पोस्ट इस पे, ये भी आप 10 के बाद दे सकते हैं। वहीं पे स्टोर कीपर जो है वो 1,026 है, और ड्रॉट्समैन जो है वो 944 है। अब स्टोर कीपर में देखिए, आपके पास 10th 12th तो चाहिए, साथ में मे बी आपको जो है कंप्यूटर का थोड़ा टाइपिंग का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ कहना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही सारी डिटेल्ड जो है वो चीज़ रहती है, बट अभी उसके लिए है नहीं। बट यहाँ पे जो आर्किटेक्ट कैरियर है उनको यहाँ पे 44 जो है वैकेंसी है, और इसके लिए तो आपको थोड़ा और भी इक्विवेलेंट जो है पढ़ाई चाहिए उसके हिसाब से। बैरेक एंड स्टोर ऑफिसर में 120 पोस्ट, सुपरवाइज़र में 534 जो पोस्ट है वो, और टोटल मिला के 41,822 पोस्ट रहने वाले हैं। साथ ही देखिए, यहाँ पे किस तरीके से जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए, आपका जो है कैंडिडेट को जो है आपको सर्वर स्टेजेस से पास करना है ताकि आप आर्मी MES रिक्रूटमेंट में आप सेलेक्ट हो पाए, और उसके लिए 4 स्टेजेस हैं, और मेनली आपको 4 स्टेजेस है। डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई कराना है, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम देना है, मेडिकल एग्ज़ाम देना है और इंटरव्यू देना है। अब इसमें हालांकि आपका जो है फिजिकल के लिए अभी तक मेंशन नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ कुछ पदों पे फिजिकल हो सकता है, बट अभी तक इन सारे पदों में तो फिजिकल की ज़रूरत तो नहीं है, तो आप जब से इसमें ध्यान दे सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहने वाला है वो देखिए, आपके पास 25 नंबर जो है वो आपका रीजनिंग रहेगा, GI और रीजनिंग जो रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वहीं पे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के लिए आपको 25 मार्क्स उसके अलग मिलेंगे जो है क्वेश्चंस रहेंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो 25 नंबर का, और स्पेशलाइज टॉपिक जो रहेगा वो 50, टोटल 125 जो है मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है।
तो अभी ये नोटिफिकेशन निकल के आई है, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग और अच्छे से इस पर देख पाएंगे। लेकिन आप अभी तैयार रहिए कि कुछ ही दिनों में, आप 1-2 वीक के अंदर जो है वो आपको 41,000 पोस्ट के ऊपर जो है वो आपको एक जो है कहीं ना कहीं आने वाली है और रिक्रूटमेंट जो है वो चलने वाली है। तो आप ज़रूर से तैयार रहें, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। अगर आपको अच्छा पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन भी कर दें। धन्यवाद।